अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारी अपील होने के बाद जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी खिदमत खल्क जो है अंजाम तक पहुँची है। हमारे दरमियान आज अज्जू ब्रदर्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स के लिए, खुसूसन राशन तकसीम करने का इंतज़ाम किया गया है। हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद फिरदौस के। हम जानना चाहते हैं हज़रत, इस तरह का जो है इंतज़ाम खुसूसन ऑटो रिक्शाओं लेकर आपको कैसा लगता है? सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में खिदमत खल्क एक बहुत बड़ा शोबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खिदमत खल्क की तरगीब दिलाई है और लोग माशाल्लाह अपने अपने तौर से खिदमत खल्क अंजाम दे रहे हैं। अब रे लॉकडाउन में सारे लोग परेशान हैं, ऑटो ड्राइवर्स भी परेशान हैं, भेड़ घोड़ा गाड़ी वाले भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं और ठेला ढकेल कर व्यापार करने वाले वो लोग भी परेशान हैं। हर आदमी जो है इसमें परेशान है और कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, इसके साथ साथ जो है मरीज़ की देखभाल करने वाले ये ख़ुद भी जो है परेशान हैं। माशाल्लाह ये जो अज्जू ब्रदर्स हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक बराबर मुसलसल रोज़ाना 500-600 पैकेट खाने के हॉस्पिटलों में ले जाकर तकसीम कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी एक मरतबा गया था और वह प्रज्वाल हॉस्पिटल है यहाँ, इसके अलावा जो है केआर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जो है जितने मरीज़ हैं, मरीज़ों की देखभाल करने वाले और उसके साथ साथ उनका स्टाफ, वो ख़ुद भी जो है लेकर जा रहे हैं और बड़ी खुशी से लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही 12:30 का वक्त होता है, इनका मामूल जो है 12 के बाद यहाँ से निकल जाते हैं तकसीम के लिए। लोग इंतज़ार में रहते हैं, अभी वैन नहीं है, अभी वैन नहीं आई। जैसे ही वैन आती है पूरी लाइन लग जाती है यहाँ से वहाँ तक और पूरे बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ ले जाकर कदर के साथ वो जो है खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक बड़ी अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनका इरादा ये है कि जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक बराबर ये खिदमत चलेगी, बाकायदा चलती हुई आ रही है। और उसके लिए जो मेहनत है इनकी, ये मेहनत मैं ख़ुद भी देखा हूँ। हमारे अज्जू भाई और हमारे कारपोरेटर समी भाई जो है रात में ईशा के बाद यहाँ सब्ज़ी काटते हुए बैठ जाते हैं इनके ऑफिस में, इसलिए कि सुबह को पकवान करना है, पकवान के बाद और 12 को लेकर चला जाना, इसकी तैयारी जो है रात ही से शुरू हो जाती है। एक तो खिदमत चलती हुई जा रही है और दूसरी खिदमत इनकी ये है माशाल्लाह कि ये ऑटो ड्राइवर्स इस लॉकडाउन की वजह से उनके लिए किराए वगैरह नहीं ही परेशान हैं। इन परेशानियों की वजह से लॉकडाउन में ख़ासकर ऑटो ड्राइवर्स की खिदमत अंजाम देने के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया है। तकरीबन ये इनका पहला स्टेप है ऑटो ड्राइवर्स के लिए, तकरीबन 500-600 किट यहाँ तैयार किए हैं। माशाल्लाह इससे ऑटो ड्राइवर्स की बड़ी अजीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें एक राशन किट भी है, जिसमें चावल भी है, आटा भी है और उसके साथ साथ तेल है और दाल शक्कर वगैरह दूसरे अजनास हैं और उसके साथ साथ एक तरकारी की किट भी है, जिससे उनकी एक वक्तियाँ जो है एक 10-15 दिन की उनकी ज़रूरत जो है पूरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी खिदमत को सराहते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इन्हें बरकत नसीब फरमाए। और जो साहिब इस्तेतात लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये ऑटो ड्राइवर्स का बेड़ा उठाया है, इसी तरीके से अपने अपने इलाके में जो मोहताज ज़रूरतमंद हैं उनके लिए खाने का, उनके लिए अजनास का, उनके लिए ज़रूरी चीज़ों का जो है इंतज़ाम करें। और इस वक्त में जो है लोगों की मदद करना, इंसानियत की खिदमत करना, ये इस्लाम का तकाजा भी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सबसे अच्छा अमल कौन सा है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों को खाना खिलाना। ये खाना खिलाने की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और अपने घरों को खाना खिलाने के लिए, खाने का इंतज़ाम करने के लिए वो अजनास भी जो है, राशन भी जो है पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस चैनल के ज़रिए से लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जो लोग मोहताज ज़रूरतमंद हैं उनकी मोहताजी दूर करना, उनकी ज़रूरतमंदी और उनकी मोहताजी में और इस परेशान कुन हालात में उनकी मदद करना, उनकी इयानत करना, ये हमारी हर एक की ज़िम्मेदारी है। इसमें किसी किस्म के ये मुस्लिम गैर मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि इंसानियत है, इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा कि ये जो खाने के जो किट्स जो तकसीम, खाने के जो पैकेट जो तकसीम कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों से
ज़्यादा गैर मुस्लिम हासिल कर रहे हैं। और आज के इस इसमें इन मुसलमान सिर्फ ड्राइवर्स नहीं, मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी है। तो मालूम हुआ कि इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। तो हर एक को, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, अल्लाह ने जो इस्तेआत दी है वो अपनी इस्तेआत को इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आकर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिस तरह देखा जा रहा है दूसरी लहर आने के बाद से आप जो है सोशल मीडिया में सुर्खियों में हैं, तो वजह यही बनती है कि लोग जो है आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं। इसके चलते जो है आप इस तरह जो है लोगों में राशन तकसीम करना हो या खाने का इंतज़ाम करना हो, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? काम करने वाले हमेशा चर्चे में रहते हैं, सुभान अल्लाह। काम नहीं करना नहीं, इस घर में बैठ गया तो हमें भी चर्चे में नहीं रहते। आज बाबा मरगा तो बच्चे खाना देने नहीं जा रही, वो वक्त ऐसा वक्त गुजरा। आज बहुत ज़रूरत है। हमारी अज्जू ब्रदर्स टीम, हमारे कारपेंटर समी, हमारे MD सलीम, हमारे जितने भी साथिया हैं, इंसानियत के लिए काम कर रही हैं। ये ज़रूरत खिदमत करने की, जैसा कि हमारा रमज़ान का महीना मिलता है, वो महीने में हमें सवाब का काम करे तो ज़्यादा अल्लाह उसका सवाब देता है। एक महीने में नमाज़ पढ़े तो ज़्यादा सवाब, वैसा अल्लाह के तरफ से लॉकडाउन के टाइम पर एक छोटी मदद भी अल्लाह के तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। घर को हमारे उलमाए कराम बोलती हैं, चर्चा में क्या ही घर को बोले तो आज काम करना ज़रूरत है। तुम्हें लोग क्या क्या एक अपील करती, वो देख ले को हमें बैठने के वास्ते हमने इत्मीनान, रात को नींद नहीं आती। अफसर भाई क्या कि एक चैनल में कौन की भूखे हींगे तो हमने खाना नहीं उतरता, तब वो जबा जाको हमें काम करना पड़ता, तब चर्चे में आती। सो अल्लाह सबको ये हिदायत दें दे, हमें क्या भी नहीं कर रही, जितनी अल्लाह हमना जिम्मेदारी देखो है। शरीयत क्या बोलते है तो पड़ोसी का भी ख्याल रखो। हमारे घर में अच्छा पक्या खुशबूदार तो उसमें ज़रा पानी मिला को हमें भी इस्तेमाल करना, बाहर बाजू वाले को भी बाट को खाने की नसीहत हमारे उलमाए कराम, हम वो नक्शे कदम पर चलने का कोई आज बहुत परेशानी है। एक रकम की परेशानी नहीं, ऑटो ड्राइवर रांची टमार को ऑटो चल को मीटर चले आते तो उसके घर का गुजरान चलता है। नहीं कर को बोले तो आज कानून इतना सख्त है, ऑटो बाहर निकाला तो ऑटो सीज हो जाता है, सीज हो को छुड़ाने के वास्ते 4-5 हज़ार रुपये उन्हें और खर्च करना पड़ता है वो ऑटो छुड़ाने के वास्ते। ये हमारा सेकेंड टाइम, खाली हमारी वार्ड नंबर 9 नहीं, हमारे आजू बाजू नहीं, हमारे कारपेटर समी हर ऑटो स्टैंड को खुद दुनज जा को वहाँ के जिम्मेदारों को बात कर को कितने ऑटो आई तुम्हारे स्टैंड के अंदर, उनका नंबर, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर कलेक्ट कर को जितने हमारे पास आए वो सब लिस्ट बना को तुम्हें देख रही। मंजरे हिसाब से हमें आज 500 की तैयारी करे थे, 500 से ज़्यादा ऑटो नज़र आ रही। इन्हों ज़रूरतमंद आदमियाँ इन्हों मंगने वाले भी नहीं, इन्हों दूसरे को मदद करते थे। और हर बुरे टाइम पर याद करती सो किसे का तो घर में बीमार हो जाओ कहीं की जाने का रहो पहले ऑटो को बुलाओगे थी जबान में क्या आता है तो पहले ऑटो ड्राइवर को चैत करती। आज उन्होंने परेशानी ये वक्त के ऊपर हमें जिम्मेदार हमें लीडर उनकी मदद करे तो और उन्होंने ज्यादा खिदमत करने के वास्ते नहीं, हमें जो खिदमत करते थे ज्यादा करना हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। हम ना कौन की कब की मदद करें, हमें दूसरे की मदद करना और उनको एक हिम्मत और ताकत आचे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बीमारी जल्द से जल्द जाए। आज बहुत परेशानी सहूलत में ही, उनको मालूम नहीं हो रहा लॉकडाउन क्या कर को, उनको डोर डिलीवरी आ जा रही चीज़ा, फ़ोन कर डाले तो फ़ोन करे तो घर को हर चीज़ पहुंच जा रही है। जो परेशान है रोज़ कमा को खाने वाले परेशानी, तरकारी के व्यापारी दाराम परेशानी, हड़े कपना के व्यापार दारा, ऐसे लोग बहुत परेशानी। इन्हों बोलने भी नहीं होता, इनको आदत भी नहीं, किसका ने बोल को भी आदत नहीं, किसका ने मंग को भी आदत नहीं, उनको ऐसे लोग की तो हमें भी एक ड्राइवर फैमिली से आती है, हमारे वालिद भी टैक्सी ड्राइवर थे, भाड़े नहीं मिले उस दिन बंद हो गए, कर्फ्यू हो गया क्या कि रोड ब्लॉक है तो उस दिन हमारे घर की हालत हम ना मालूम क्या होती थी कर को बोल को। ऐसा मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ सब आगे आको। आज हमें एक 500 ड्राइवर कर रही, मैसूर में 50,000 आटवा रही है, 5,000 आटवा रही है, हर जगह से हर आदमी ऐसा सोच को एक 500 जने की मदद करे घर को बोले तो आज जो परेशानी है अल्लाह मदद करना, जो भी करता है अल्लाह करने वाला, एक जरिया ये होता है अल्लाह के तरफ से हिदायत देखो एक जरिया। मैं आज ये करी है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हमारे मोहल्ले के अंदर समी साहब हर घर को जाको 2000 किट हमारे मोहल्ले का पहले अख कर को हर घर घर तक एक जगह जमा को देना नहीं, या कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन है घर को हर जगह जाको रमज़ान से पहले चुनके घर को पहुँचाए। वैसा अच्छा हमारे पूरा कर्मी करा सुबह उठे तो हमारा एरिया पा करने वाले उनके एक पैकेज बना को
पूरा कर्मी करा को दिए, जैसा कि अब आशा वर्कर हर घर घर को जा रही, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर को, ऐसा है कि एक अलग अलग पैकेज आज ऑटो ड्राइवर का, इसके बाद और एक टीम बना को करना और को फिक्र करें। सारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, दुआ करें आप लोग भी ऐसा काम करने के लिए, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। ये जो काम कर रही है मैं दिखाने के वास्ते, क्या कि इलेक्शन के वास्ते, ये वावागिरी लेने के वास्ते, ये जो कर रही है हमारे फायदे के वास्ते, इसका अजर अल्लाह हमना आखिरत में देता है इंशाल्लाह। मैं माना जा रहा है अभी आपके बड़े भाई साहब बोले कि भाई मैसूर में, सारे मैसूर में सिर्फ 500 लोग जो है, 500 ऑटो ड्राइवर ज़रूरतमंद नहीं, उससे भी ज़्यादा हो सकती, इसको हमें फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफसर भी ये सेकेंड टाइम जी, जो कोरोना का सेकेंड टाइम आया है, दूसरी लहर जी, फर्स्ट टाइम भी हमें ऐसा मशवरा कर को, लास्ट टाइम एक 800 ऑटोओं का इंतज़ाम कर रहे थे, ऑटो ड्राइवर का कई को तो हर परेशानी में हमना याद आता सो चाहते तो। कैसा अजूबा बोले, हमारे यहाँ कार खड़े रही तो भी टाइम पर कीली मिलती नहीं, एक ऑटो को बुलाओ करती, और नज़दीक कौन से ऑटो ड्राइवर को रहता है उसे हर चीज़ की मोहल्ले की इंफॉर्मेशन रहती है। ऑटो ड्राइवर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है मोहल्ले का, हमें बैठ को मशवरा करके पूरे, अब 30 पर 2 की 30 पर 3 ऑटो स्टैंड के हमारे पास लिस्ट आई थी, हमें पूरे अंगों एक चीटी के जरिए से उनको हमारे कारपेंटर की सील साइन, उनको भी डिस्टर्ब नहीं होना, वो चीटी है तो उन्होंने इत्मीनान से खड़े जाना, हमारा राशन जो तरकारी है वो मिलती है अगर को, इसमें हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, 8 दिन से मेहनत है, अब जो देख रही निज़ाम बनने हैं, 1 दिन 2 दिन का बनता नहीं है, लॉकडाउन है, 10 घंटे को बंडी पड़ा बंद हो जाता है, हमारे पूरे दोस्त मिलको एक ये उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आदमियाँ भी इत्मीनान से खड़ी देखो, उनको एक तसल्ली इन्हों करे तो बराबर करती रहे घर को, गए बार भी जो एक आदमी भी यहाँ से राशन लेना नहीं सो गया, खाली गया नहीं, आज भी देखो तुम्हें इतनी धूप में भी इन्हों इत्मीनान से खड़ी तो इनको भी काम की एक है, ये मैसेज दूर तक गवर्नमेंट तक जाना, ये खाली फुटे बातें 3000 ट्रेलर को दे रही, 2000-5000 ऑटो ड्राइवर को दे रही, ये तुम्हें 5 जने मिलते नहीं अफसर भी मैसूर में, सवाल पूछता हूँ ऑटो ड्राइवर से, नहीं मैसूर में 5 जने मिलते नहीं, गवर्नमेंट से 5000 आया अगर को बोलने वाले 5 जने मिलते नहीं, वो गवर्नमेंट कहीं को चुपके बोल को आज दिखा रही मालूम नहीं, और मंजे मालूम रहती हूँ वो उसके पीछे भागानाटी करने 1000 रुपया होना, जो 5000 की आस में इन्हों भागानाटी करती उसे भागानाटी को 1000 रुपया होना, जो 2000 रुपया टेलर को दे रही उसे भागानाटी करने इन्हों 300-400 रुपया पैसे होना, नक्को ऐसा करने का है हमारे हाथ में क्या है करना, गवर्नमेंट हर रकम से फेलो को है, उनके लड़ाइयाँ बेजान, मैसूर का हाल भी देखे तुम्हें जी सर, आज जो राशन तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ खुसूसन ऑटो वालों के लिए रखा गया है, क्या आगे चलकर जो है इसी तरह हमारे घोड़ा गाड़ी वाले हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे उनके इदारे के हैं, उनको भी आप देने का क्या सोचे हैं सर? मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ सर भाई, घोड़ा गाड़ी वाले होंगे, अब मैं सामानी परसों कटिंग शॉपों वाले उनको दे रहा हूँ, माशाल्लाह जी, जो भी बार्बर हैं हाँ उनको दे रहा हूँ, हमारे आंगनवाड़ी टीचर्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, ये वारम पूरा बिजी जी, हर एक रोड मेरी वार्ड आधा वार्ड डोर टू डोर कर रहा हूँ, ये पूरा ये वारम पूरा हमें बिजी जी, उन्होंने भी तुम्हारे माध्यम के हिसाब से नहीं तुम्हें से इतने घोड़ा गाड़े वाले ही समी भाई को बोलो, इंशाल्लाह हमारे हाथ से कितना होता हमें मदद करने हमें तैयार है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जो भी हमारे देखने वाले हैं उनसे आजीजाना गुजारिश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद से जो है आज खुसूसन ऑटो वालों के लिए, ऑटो रिक्शा वालों के लिए, जो 3 पहिए का ऑटो रिक्शा है उनके लिए राशन तकसीम करने का जो है बेड़ा उठाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी कतार, एक लंबी कतार खड़ी हुई है ऑटो रिक्शा वालों की, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत लंबी कतार है, जहाँ तक आँख हमारी जा सकती है वहाँ तक भी जो है आपको ऑटो ही ऑटो नज़र आएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, ये माना जा रहा है सिर्फ 500 या 600 जो है ज़रूरतमंद नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मगर ये पहल जो है इन्होंने शुरू की है, और हम यहां पर जानना चाहेंगे कुछ ऑटो ड्राइवर से, ई तरह लॉकडाउन करोना समस्या बाड़े ऐनू सिक्ता इल्ला इधर दरमियान निम्हे राशन ई तरह सप्लाई माड़ो राशन इल्ला निम्हे फेसिलिटी माड़ो हे निम्हे फील माता है अनुकूल आगे ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಆಚೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ 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 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಿ ಅವರು ಹೋದ ಸತಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಸತಿನೂ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ
ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 3000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾಲು ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಡ್ರೈವರ್ ನಾನು ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಇದು ಈ ಸತಿ ಈ ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದಾಯ್ತು ಸರ್ ಖರ್ಚಾಯ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ 180 देखिए आप देख सकते हैं सरकार से जो है किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। यहाँ तक के पेपर्स वगैरह में जो है सरकार की तरफ से 5000 या 3000 रुपये का जो है वादा किया गया था, मगर यहाँ पर जितने भी ऑटो ड्राइवर्स खड़े हैं उनको सरकार से अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। आगे भी हम देखेंगे कि ड्राइवर्स का क्या कहना है। ಸರ್ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೂವರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಮೊದಲೇ. ಸರ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೋದ ಸಲನು ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಇದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳೈತೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ತಾರೀಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಾವೊಂದು 15 ಜನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 15 ಜನ ಇರೋದ? ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಶಂಕರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 30-40 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತು 5000 ರೂಪಾಯಿ 3000 ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಇವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದು ತಗೋತದೆ ಬರಕ್ಕೆ? ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗಿದೆ, ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಜ್ ಖುಸೂಸನ್ ಜೋ ರಾಷನ್ ತಕ್ಸೀಮ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಜೋ ಬೇಡಾ ಉಠಾಯೆ ಹೇ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಹೇ ಹಮ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೇ ಬಹುತ್ ಲಂಬಿ ಖತಾರ್ ಖಡಿ ಹೇ ಯಹಾಂ ಪೆ. ತೋ ಆಪ್ ಕಿಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಸೋಚ್ ಕರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೇ ಹೇ ಸರ್? क्या सोचते हैं हर स्टैंड को इतला दिए थे ये लोग? हाँ जी, क्या करके बोले तो गए साल भी हम ना ऐसा इतला दे के बुलाए थे सबको, ऑटो ड्राइवरों को पूरे को सब फिटान दिए, और ये साल भी आगे इतला करके सबको आना पड़ता. फ़ोन करती हूँ कहते हैं अलहमदिल्ला आती हूँ को बोले थे हमें हमने फ़ोन ना स्टैंड को, स्टैंड के हमारे 10 ड्राइवर हम भाई पूरे मिलकर फोन आ करते मन पूरे गाड़ियाँ ले लोग आए आते के मन खड़ा करके पूरे स्टैंड वाले को हाथ में टोकन देखो ही ये टोकन ले लगो तुम्हें वहाँ पहुँचाओ. पहुँच जाते तो ना टोकन देते के मन राशन देती है को बोल को ही सब हर ड्राइवर के ना टोकन है. हमें एल आई सी के ना ऑटो स्टैंड वाले पूरा हमारे 10 भाई आदमी मिलकर आको लाइन में खड़को ही अब यहाँ से स्टार्ट करे तो हमें राशन ले लगो निकलती ना. हर साल भी इनको ला अच्छी राय दो ये चार भाइयों को भी इन्हों आज तक ना तो कोई MLA होंगे ना तो कोई एक पैसे वाला होंगे. गए बार हाथे हाथ है, ये बार कोई सामने नहीं बढ़ पाया. दूसरी लहर में जो है कौन भी सामने नहीं है. और अल्लाह इनको क्या हिदायत दिया कि खास कर उन्होंने ऑटो ड्राइवरों को बहुत चाहती. वो क्या अल्लाह इनको हिदायत दिया कि हर ऑटो ड्राइवर को बुला को पैकेज देती, इनके हक में क्या है वो देती और हमें भी ले जाती. और ये चार भाइयाँ भी मिलकर बहुत अच्छे ऑटो ड्राइवर की कौम की इनकी वार्ड की अली रात को भी फोन कर रहे हैं. वार्ड के अंदर क्या भी काम होंगे समी होंगे कौन भी होंगे फोन करते कि मानने क्या है इन्हों हल कर को. ओके मेरे भाई आप बोले चार भाया इससे पहले तुमने कौन सा कॉर्पोरेटर भी कौन सा राशन क्या भी दिया नहीं? कॉर्पोरेटर दूसरे वाड़ा के उनके वार्ड को दिए, उनकी वार्ड को दिए, उनका फायदा है उन्होंने वोट होना था उनको दिए. खैर हमारा वोट इनको मिलको नहीं जी. आप ये एरिया के नहीं? ये एरिया के नहीं, स्टैंड हमारा अलग है. अच्छा, हमें फिर भी हमने ऑटो ड्राइवरों को बहुत चाहते हुए इन्हों बुला को उनके हक में क्या है दे रही. अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबूल है, इन्हें क्या देते हमें लल्लक हो जाती. हर साल भी गए साल भी बुलाए हमने बुला को हमने दिए. इस साल भी सेकेंड में कोविड केस में कोई एक रुपया देने वाला नहीं. हर ड्राइवर ऑटो ड्राइवर देखो ऑटो ड्राइवर किसी के ना जाकर हाथ फैलाता नहीं, किसी के ना जाको खुददार ऑटो ड्राइवर खुददार है. और उसकी मजबूराई कोई नहीं समझता. अब उन्हें जाको कहीं को उसकी ये कर लेना ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ರಾಷನ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 65 ಜನ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಥರ ಬಡವರು ಬಗರ್ನಾಗ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 65 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟ ದಿನನಿತ್ಯ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಔಷ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲದ ಖರ್ಚು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಇವರ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ನಗರ 65 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ
ಈ 65 ಕಾರ್ಪೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಥರ ಕಾರ್ಪೇಟ್ರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಥರ ಈ ಥರ ಬದ್ದಿ ಬಡವರು ಬಗ್ಗರನ್ನ 65 ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಇವರ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು 65 ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಾಡಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಬಡವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 600-800 ಜನಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮೈಸೂರು 65 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಪೇಟ್ರ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿರೋ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಮ್ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೇ ಆಪ್ ಕಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಸೇ ಕಿಸ್ ಜಗಾ ಸೇ ತಾಲ್ಲುಕ್ ರಖ್ತೆ ಹೈ ಪೆ? ಹಮೆ ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ಸೇ ಆಕೋ ಹೈ ಸರ್. ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ಜಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ವಹಾಂ ಕಾ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ಕಾ ಬಾಕಾಯ್ದಾ ಜೋ ಹೈ ಇನ್ನೋ ಕಹಿ ರಹೇ ಹೈ ಕಿ ಭೀ ಹರ್ ಏಕ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇ ಜಾಕೆ 12-15 ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಜೋ ಹೈ ಟೋಕನ್ ದಿಯೇ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇ ಜೋ ಆಪ್ ಆಯೇ ಹೈ ಉತ್ತೆ ಜರೂರತ್ಮಂದ್ ಹೈ ಐಸಾ ಜ್ಯಾದಾ ಭೀ ಹೈ? अभी है जी, अब जो जते देखो ही वो आको ही. अच्छा, तो आपका मतलब बोलने का और ज्यादा भी जरूरतमंद है, उनको भी देना जरूरी है. जी हाँ भैया, इसका क्या है कि भाई ऐसे वक्त में कोरोना का माहौल चल रहा है, ये लॉकडाउन है, क्या आपका एक ऑटो यूनियन ऑटो ऐसा क्या भी नहीं है आपके पास? यूनियन एला इदे, अरे यारो नम हेल्प बरलिल्ल ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಕಿಟ್ಟು ಬೇರೆ? ಸರ್ ಹೋದ ಸಲಾನು ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋದ ಸಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಈ ಸತಿ ಈ ಸಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ರಾಷನ್ ತಕ್ಸೀಮ್ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ಕೋ ಮತಲಬ್ ಆಪ್ ಲೇಕೆ ನಿಕಲ್ ರಹೇ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಮಹಸೂಸ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪೆ, ಕ್ಯಾ ಫೀಲ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಇಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೇ ಇಸ್ ಕೊರೋನಾ ವಬಾ ಕೆ ದೌರಾನ್? ಕೊರೋನಾ ತೋ ಹೈ, ಕಿಸ್ಸೆ ಭೀ ಕ್ಯಾ ಭೀ ಮದದ್ ನಹೀ, ಅಜ್ಜೂ ಭಾಯಿ ಸಾ ಮದದ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹಂಗ್ ಮದದ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಅದ್ರಿ ಸರ್, देखो जिस तरह आप राशन लेको अभी निकल रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या बोलना चाहती हैं? एक हमने बहुत खुशी हुई, हमें ऐसे दूसरे एरिया में फिर भी ये एरिया में बुला को कारपेट दे रही है, तो ये खुशी की बात, अल्लाह उनको और भी नवाजना. आमीन आमीन आमीन. जा रहे हैं, आप क्या महसूस कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भी उनका शुक्रिया जो दे उन्होंने, जो कौन भी ऑटो ड्राइवर को आज तक पूछा नहीं है, राजकीय राजकीय वाले पूछे नहीं, कोई नहीं पूछे नहीं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने इतना भी सोचा कि ऑटो ड्राइवर बहुत तकलीफ में है, उनको इतना सहारा भी दिखाने लगा, उनका जो दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया. कौन से एरिया से? शांतिनगर से. शांतिनगर से, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया. आपको राशन मिला है? हाँ मिला है, सब शुक्रिया. कैसा महसूस कर रही है पे? बहुत बहुत शुक्रिया. देखो अज्जू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया करे आदमी आपको, कोसा कार्पेटर नहीं बैठा रहेगा, सब ऑटो ड्राइवर आपको बहुत सहूलत देखे, आज उन्होंने पहली बार ऑटो ड्राइवर कौन भी देखो नहीं, उन्होंने देखो ही उनको 100 साल के हयाती नंद है. कौन सा एरिया? कौन सा एरिया? मोहम्मद है मुझे, शांतिनगर. शांतिनगर, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया. कौन सा एरिया भाई? शांतिनगर, मोहम्मद. शांतिनगर, शांतिनगर मोहम्मदिया मस्जिद. जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या भी नहीं, हमारे एरिया के अंदर 3 कारपेटर जमती है. हमने 3 कारपेटर, जरा जोर से बोलो ये बात मुझे. हमारे एरिया को 3 कारपेटर जमती है जी. आज तला कोसा भी कारपेटर आगो, ऑटो स्टैंड के ड्राइवर आगो, तकलीफ है ना, क्या करना कर नकल, हमने क्या भी देखा नहीं. हमने अज्जू ब्रदर्स टीम के कल परसों आगो ना छोड़ना, तुम्हारे कितने पूछो 10 दिन आगो, तुम्हारा देखो हम राशन किट देखो ही. माशाल्लाह, किट देख सकते हैं आप यहाँ पर. जी किट देखो, आपको किट मिला है यहाँ पे, हमने बहुत खुशी महसूस करें. अल्लाह उनको अभी दंद है, अभी तरक्की दंद है, अभी नेक्स्ट इलेक्शन खड़े तो भी अभी जीतेंगे. अपे अगर शांतिनगर बोले तो आपके मोहल्ले की बदनामी तो नहीं होती ना? मोहल्ले की बदनामी नहीं, हमारे मोहल्ले के सदर साहब थे, उन्होंने रमजान में दिए जी, हमने 15 ड्राइवर बुला को दिए, कहा पटरांगे सबको, ना कौन भी गया अब तक आगो देखो नहीं है, कहा पटरांगे सबको अज्जू ब्रदर्स, वो भी कैसरे में ही सो, हमें शांतिनगर में, हम ना ही बुला कोई ना. बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. कौन सा एरिया आपका? कौन सा एरिया? नायडू नगर. नायडू नगर. आपको राशन मिला? मिल गया जी. क्या बोलना चाहती हैं पे? क्या भी सभी भी का शुक्रिया अदा करते जी, दिया सोते थे इस तरह और आगे जो है खिदमत करने का मौका अल्लाह आसान कर. भाई आपे कहाँ से सर? नायडू नगर. आर एस नायडू नगर. आर एस नायडू नगर. सर आपको राशन मिला है? सर हाँ राशन मिला सर. मिला, क्या बोलना चाहती हैं पे? क्या भी नहीं, गए बार भी लॉकडाउन होगा था जी, पिछली बार भी मदद करे अज्जू ब्रदर्स, इस बार भी मदद करी, कहते की खुशी हुई. पिछली बार के सर का, अब हमें उनको वार्ड में काम करे थे, उन्होंने वो ख्याल रखो क्या करेंगे, तो खाली उनको नहीं, आर एस नेटवर्क नहीं, खाली सुनो मेरी बात जी, सुनो जी, वार्ड छोड़ गो, भारत नगर से लेगो, शांति नगर, राजू नगर, उदयगिरी,
बाद लश्कर मल्ला, मंडी मल्ला, मैसूर के जितने भी हमारे हर तरफ के भी मुकामियाँ हैं, वहाँ के सभी जिम्मेदार आई उन्होंने पूरे ऑटो ड्राइवर हैं, उनकी जमात ले को एक एक स्टैंड से 10-10 आदमी, 20-20 आदमी, 30-30 आदमी आको राशन ले लगो जारी सर जी। करोना वबादली इतना लॉकडाउन नहीं इष्टपड़ी भाला सतोष आगे नन के या सरकारदा बट इवर कड़ा ईनो सर यू ऐरिया सर नेहरू नगर नेहरू नगर नेहरू नगर नेहरू नगर नेहरू नगर नेहरू नगर हाँ ओके सर तुम्हारा थैंक यू सर तुम्हारा थैंक यू ಸರ್ ರಾಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ನೆಹರು ನಗರ ನೆಹರು ನಗರ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ದಿ ನಮಗೆ ರಾಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ राशन मिले माशाल्लाह आपको जी क्या बोलना चाहती हैं पे कॉर्पोरेट सर अल्लाह अल्लाह उनको अच्छा रखे ना हमारी आयत भी उनको जिंदे आमीन मेरा मालिक उनको भी कौन से एरिया से आकू सब मैं कल्याणगिरी से कल्याणगिरी में कौन कॉर्पोरेटर तुम्हारा शौकत क्या बोले क्या दिए अब तक अंगार कड़े तक भी दिए नहीं और जोर से बोलो भाई अंगार कड़े तक दिए नहीं आगो पूछे तक भी नहीं अल्लाह उनको भी कामयाबी करें आमीन 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 अल्लाह आसान करे जनाब राशन मिल गया माशाल्लाह आपको मिला भैया जी क्या बोलना चाहती हैं पे हमें अपना दुकान भी पूछ को देंगे नहीं अज्जू भाई करके दिए हमारे ग्रांग चलता चलता है कुछ ना कुछ चलता है चलता है जी कौन से एरिया पे मैं शांतिनगर शांतिनगर कौन कारपोरेटर आपके ना क्या अय्यूब 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 खान अच्छा अच्छा अब तक क्या तभी दिए अल्हम्दुलिल्लाह से गए साल दिए थे ये साल कभी नहीं दिए इंशाल्लाह उम्मीद है आपको उम्मीद है ओके बहुत महसूस कर रही अच्छा महसूस कर रही पहले क्या भी नहीं था जी अब अल्लाह के फजल से थोड़ा मेंटेन होता घर का थोड़ा बहुत चलता इंशाल्लाह कौन सा एरिया आपका हमारा मंडी मोहल्ला मंडी मोहल्ला मंडी मोहल्ले में कौन सा एरिया कौन सा वार्ड छोटा मार्केट पास है ओके क्या बोलना चाहती हैं कॉर्पोरेटर साहब क्या भी नहीं उनका शुक्रिया अदा करते हैं जी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लंबी कतार खड़ी थी उसे एक एक करके जो है बारी बारी तौर पर जो है राशन को दिया जा रहा है यहाँ पर ये जो है तारीखी जो है एक रकम लिखी जाती है कि बहुत सारे ऑटो स्टैंड को एक लंबी कतार ऑटो स्टैंड को जो है इस तरह लॉकडाउन में और इस तरह जो करोना वबा के दौरान जो है ऑटो ड्राइवर्स को खुसूसन आज का जो है खुसूसन ऑटो ड्राइवर्स को राशन बांटने का राशन तकसीम करने का अज्जू ब्रदर्स की तरफ से जो है ये बेड़ा उठाया है तो हम आप लोगों से आजीजाना और मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारी इस न्यूज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और आप लोगों की क्या राय है इस काम के बारे में और जो इस राशन तकसीम करने के बारे में हमें कमेंट्स कीजिएगा तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।